कोल इंडिया के कर्मियों को 72,500 रुपए बोनस, दीपावली पर 12,500 कोल कर्मियों को 90 करोड़ का बटेगा बोनस, बाजार में आएगी रौनक। दीपावली पर कोयला कर्मचारियों को कंपनी ने बोनस के तौर पर 72,500 रुपए देने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति के अनुसार बोनस दिया जाएगा। शत प्रतिशत उपस्थिति वाले कर्मचारियों को तय बोनस की पूरी राशि दी जाएगी। कर्मचारियों को 11 अक्टूबर से पहले बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। एसीसीएल की कोरबा, कुसमुंडा, दीपका और गेवरा एरिया की खदानों में लगभग 12,500 कोयला कर्मचारी कार्यरत हैं। यहां कर्मचारियों को 90,62,00,000 रुपए से ज्यादा बोनस के तौर पर दिया जाएगा। जिले के अन्य उद्योगों में 40,000 से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारी काम करते हैं, जिनको दशहरा व दीपावली में बोनस दिया जाता है। कर्मचारियों ने बोनस पर बाजार की भी नजर रहती है। कोरोना काल की परिस्थितियों से उबरने की कोशिश में जुटे व्यवसायियों को इस बार भी बोनस के साथ शराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड व अन्य सेक्टर में खरीदारी व बिकवाली बढ़ने की उम्मीद है। कोयला उद्योग में जो है इस बार जो है बोनस का फैसला जो है उम्मीद के मुताबिक कुछ जल्द पहले ही हो गया है। हम लोग सोच रहे थे दुर्गा पूजा के एकदम आसपास ही ये बोनस का फैसला होगा, पर उसके कुछ दिन पहले ही ये बोनस का फैसला हो चुका है। और उसमें ये कहा गया है कि कोयला जो कर्मचारियों को जो है इस साल जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है 72,500 रुपये की राशि मिलेगी, और ये राशि जो है एक मुश्त मिलेगी। पिछले साल जो है हम लोगों को जो है 68,500 रुपये मिला था, इस साल जो है 4,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।